अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे जी एच न्यूज़। मैं हूँ अब्दुल्ला। इमरान खान की उम्र 1 साल हो गया है। अगर इस एक साल में अगर इमरान खान खुद अपनी किसी पॉलिसी पर फ़ख्र करे तो वो है अपोजिशन को जेल डालना, जिसमें बड़ी ईमानदारी, वादे और मंशूर के मुताबिक अमल हुआ है। मगर माना के परफॉर्मेंस जानने के लिए 1 साल का अर्जा कम है, मगर ऑप्टिक से ही पता चलता है क्या दुरुस्त है क्या गलत है। खान साहब ने वादा किया था कि पुलिस को वापस रिफॉर्म करूंगा। पुलिस को रिफॉर्म करने वाले नासिर दौरानी, जिन पर खान साहब बड़ा फ़ख्र करते थे, वो रिज़ाइन करके चले गए। खान साहब ने वादा किया था कि मुल्क के ओहदे किसी दोस्त को दे दूंगा। इस बात में अमल यह हुआ, दोस्त ऐसे सामने आए जैसे अलादीन का जलाग रगड़ने से जिन सामने आ जाता है। खान साहब ने वादा किया था कि MNA और MPA की तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इस बात में अमल यह हुआ, तनख्वाह 100% बढ़ी। खान साहब डॉक्टर ने मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। खान साहब ने वादा किया था कि मेंबर्स के फंड्स नहीं बनाऊंगा। वो वादा भी कई आसमान में उड़ गया। वसीम अकरम प्लस बुजदार साहब का चमत्कार देखने को इंतजार था, मगर बोंगिया देखने को मिली। ऐसे बहुत से वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। 1 करोड़ जॉब्स, 50 लाख घर के वादे नहीं पूरे हुए। लोग महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मेरी सेहत देखें, मैं दूध में पीड़े शोर पीता था। जब से वो महंगा हुआ, अब बाबा ने कभी ला के ही नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, महंगाई हुई है। फिर मुझे सादा दूध पीने को मिला, अब तो वो भी महंगा हो गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, महंगाई हो गई है। खान साहब, कुछ मामलों में डायरेक्शन होती है और कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है वो भी गलत होती है। क्या अगर मैं स्कूल की किताबें छोड़ के दूसरी किताबें ले जाऊँ और वह पढ़ना शुरू हो जाऊँ तो ये मुमकिन है मुझे टेस्ट में शाबाशी मिलेगी? हर केस नहीं। इसके लिए मुझे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा लेसन तरतीब से पढ़ना होगा, तभी मुझे जाके 12 चैप्टर्स 1 साल में पूरे होंगे। खान साहब, आपके पास 60 मंथ्स है जिनमें से 48 रहते हैं। क्या आपने किताब खोलकर एक सीडी आगे रखी? हमारी उस्तानी कहती है कि आज का काम कभी कल में ना छोड़ो, क्योंकि कल तो कल के काम के लिए ही होगा। आज का पेंडिंग काम कल कौन कर सकेगा? इजाज़त जाते हैं, अल्लाह हाफिज़। Subscribe the ZEH News, where entertainment and current political analysis goes together.